काफी दुख के साथ जी कहना पड़ रहा है कि हमारे जो एक अपने थे, हमारे बीच से जो थे एक, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उनके बारे में जो है क्या है और किस पद पर थे, माँ जो है आपको पूरा डिटेल में बताएगी। तो वहाँ पर हमें जाना भी है श्मशान घाट पर, तो सोचा कि पहले जो है एक बार माँ से बात कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई थे, हाँ उनका फुफेरा भाई थे और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अनेकों अध्यक्ष बार थे। अध्यक्ष और सचिव के पद पर रहे और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, एक अच्छे अधिवक्ता और हमारे परिवार के बड़े भाई। तो स्वाभाविक है, गए तो अपने उम्र से, किसी भी बिल्कुल। चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना उससे एक कोई अगर कमी होता है तो अपार दुख तो होता दुख तो है। होता ही है। 3 hours later। तो हम लोग पहुंच गए जी अंतिम संस्कार में, और अंतिम संस्कार जो है यह किया जा रहा है हमारे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक जगह है मनिहारी, वहीं के गंगा घाट पर किया जा रहा है। वहां पर जी ढेर सारे लोग आए हुए थे, जो भी उनके गांव के लोग थे। ऐसा लगता है कि लगभग हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर वहां पर मौजूद था। और जी ऐसे समय में ही पता चलता है कि हमने जिंदगी में पाया क्या है, हमारी उपलब्धि क्या है। तो हम देख रहे थे कि उनके जो प्रोफेशन से जो लोग थे जुड़े हुए, वो सब भी लोग आए हुए थे, कलीग भी थे, गाँव के सभी लोग सब थे। और इस तरह का अंतिम संस्कार में जाने का जब भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जरूर जाऊँ जी। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनों के जाने का तो दुख होता ही है, साथ ही जिंदगी की सच्चाई का भी एहसास होता है। और जिंदगी की यही सच्चाई है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, उसे एक ना एक दिन जो है यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जाना ही होगा। फिर यही ख्याल आता है कि आखिर किस बात के लिए हम लोग पीछे पड़े हैं। क्रोध, लड़ाई, झगड़ा और किसी को लूटना, फिर सब कुछ इकट्ठा करना, आखिर क्या ले जाएंगे हम अपने साथ? सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 2, और इस समय हम लोग जो है निकलने वाले हैं। हम मम्मी और पापा निकलने वाले हैं। जिया यहाँ पर क्रियांश के साथ रुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है बात क्या है कि चोरी का केस होता रहता है, तो किसी न किसी एक आदमी को जो है यहाँ पर रहना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि कैमरा वैमरा सब कुछ लगा दिया है, फिर भी ज़रूरी है। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ से औराही,
जो कि मुश्किल से यहाँ से 3 घंटा 3.5 घंटा के करीब का रास्ता है, तो हम लोग चलेंगे। 2 hours later. मेरे साथ 3 बहन हाँ हाँ सबसे बड़ी है, तो मौसी सास हुई हाँ ये सबसे बड़ी है। सेकंड वाली सिसवा में हाँ, तो सिसवा हो गया जी हमारा दादी घर, जो सिसवा का नाम ले रही है माँ। दूसरा दादी घर हुआ और ही और एक वहाँ पुरंदा। अच्छा, और हमको कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हम यहाँ आए, इत्तेफाक हमको अपनी सास से मुलाकात हुई। हम तो अब उनकी सास के रूप में हम इन्हीं को देख रहे हैं, जब मैंने तो अपनी सास को देखा नहीं। बिल्कुल, हम भी अपनी दादी माँ को नहीं देखे हैं। का मिलन है, मैंने पहली बार शादी करके जब यहाँ आई, लगता है कि आज ये सास बहू का मिलन पड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, और हम भी जो है अपनी दादी को नहीं देखे और आज दादी के रूप में इन्हीं को देख रहे हैं। और मालूम क्या चला कि उम्र इनका 97 वर्ष है। हाँ। तो एक दादी सिसवा में है। सिसवा में है, बूढ़ी हो चली है। अच्छा, जेठानी हुई। हाँ। हाँ। दादी के जो बड़े भाई है मुसेरा, हाँ। उन्हीं की पत्नी है। अच्छा, और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज तक हम शादी 40 वर्ष हो गया, मैं यहाँ नहीं पहुँच पाई थी। आज लगता है कि मैं तैयार नहीं रहने के बाद ही मैं यहाँ पहुँच गई। सारी लोग का हृदय से मेरा सहयोग है। बिल्कुल, भगवान करेंगे तो हम आते जाते रहेंगे। पहली बार आए थे तुम, पहली बार, तो इसलिए हम सोचे कि हम लोग अपना थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं, ताकि गाँव में हम लोग एक दूसरे को देखें, यादगार रहेगा यह सब कुछ। वहाँ तो मिलवा दिए जी पापा के मौसी से, और यहाँ मिलवाते हैं पापा की बहन से ना, पापा के एक बुआ और एक मौसी। तो मौसी का फैमिली, फुआ का फैमिली, मेरी ननद है। अच्छा, सबसे बड़ी ननद में फुआ की बेटी, तो मैं रिश्ता दूसरे को बताने के लिए कह रही हूँ फुआ की बेटी है, लेकिन जब से मैं शादी करके आई तो मैंने कभी समझा ही नहीं कि ये दूसरी है। अच्छा, हम तो समझ रहे गणेश बाबू की बेटी है। बात है, आज हम पहली बार आए, सबसे मुलाकात हो गई है और हम अपना बेटा को सबसे परिचय करा रहे हैं। ये तुम्हारा भाई है, छोटा बेटा, इसका एक बड़ा बेटा है जो रांची में रहता है, जो रंजन भैया, उनको हम जानते हैं, संजय की पत्नी, हमारी भाभी जी से। हम वहाँ जब आए तो तुमको बता ना, डैडी के जो फूफा थे वो 3 भाई थे, उन्हीं 3 भाई का परिवार है। अच्छा, और एक भाई जो है फूफा थे, एक भाई में मौसा, उनका बेटा हाँ। तो उसी परिवार में से जो मेरी ननद है। अच्छा, वो बड़ी ननद है, ये उनसे छोटी भाई है, कलकत्ता में। जब मैं शादी करके आई तो हम वहाँ भी बोले आराम में, फिर यहाँ बोलते हैं, मुझे लगा नहीं कि ये मेरी फुआ की बेटी है। हम सब भी समझते डैडी की सगी बहन, और इसी उम्मीद से हम लोग इस रिश्ता को निभा रहे हैं। अगर भगना सबका तो मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन हम ननद भाभी जब तक है तब तक तो रहेगा। बताने तो डैडी के फुफा जो थे वो 3 भाई, 3 भाई में से एक का परिवार नहीं है। अच्छा, जो फिर साहब एक्सपायर किए थे, डैडी के पुतरा भाई पत्रू। अच्छा, उन्हीं के कर्म में आगे है, आए लोग से मुलाकात हुई, और इसी में से क्या बोल सकता, अब सही नहीं है ज़्यादा बोलने का। अच्छा, हाई स्कूल यहीं पर के पास किया, इसी परिवार का देन है। अच्छा, जो गांव के हेडमास्टर थे हमारे छोटे ससुर, हाँ, उन्हीं निमंत्रण नहीं कहीं नहीं करते जहाँ आए हुए हैं। डैडी के बड़े भाई थे, ज्योति ओकार तो राज्य के गुरु हैं,